बजट में सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए बहुत कुछ खास रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम और संपूर्ण बजट पेश हुआ। इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। आइए अब आपको बता दें कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए क्या नई योजना की घोषणा की। इस योजना को महिला सम्मान बचत पत्र के नाम से पेश किया गया। इस स्कीम के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% का तय ब्याज मिलेगा। ये ब्याज केवल 2 साल तक माने मार्च 2025 तक ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई महिला 2 लाख रुपए खाते में सेव करती है तो 2 साल बाद उसे 2,30,000 रुपए मिलेंगे। 2 साल के बीच में अगर पैसे निकालती है तो उसकी भी सुविधा स्कीम में दी गई है। मिशन शक्ति योजना के लिए इस साल 3,144 करोड़ रुपए अलग कर दिए गए हैं। पिछले साल इसके लिए 2,280 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ये मिशन महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित है। बजट में सीनियर सिटीजन का भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। अब इसका फायदा सीनियर सिटीजन को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।